अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रेसिपी में आपके लिए लाई हूँ चिकन टिक्का पॉकेट्स। रमज़ान आ चुके हैं, मेरी पूरी कोशिश है कि आपके लिए सिंपल और क्विक रेसिपीज़ लेकर आऊँ और न्यू भी हों ताकि आप कुछ नया से नया ट्राई कर सकें। चले तो जल्दी से रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। आपने एक बाउल ले लेना है, हाफ के जी के करीब आपने चिकन ले लेना है। 3 बड़े चम्मच आपने उसमें दही डालनी है, 1 कुटी हुई लाल मिर्च डाल लेनी है, 1 चम्मच, आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच टिक्का मसाला और 1 चम्मच आपने ग्रीन चटनी डाल लेनी है और इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसे 10 से 15 मिनट तक रख लेना है मैरिनेट करके। उसके बाद हम क्या करेंगे, जिस पैन में बनाएंगे उसमें 3 चम्मच के करीब ऑयल ले लेंगे। आप घी का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। यहाँ पे हम इसमें डाल देंगे चिकन और इसे तब तक भूनेंगे जब तक कि अपने कलर चेंज ना कर ले। यहाँ पे हमारा चिकन तो गल चुका है तकरीबन, लेकिन दही का जो पानी है वो खुश्क होने तक हम इसे बना लेंगे। अब यहाँ पे मैं इन बोटियों को थोड़ा सा तोड़ रही हूँ ताकि जब हम पॉकेट्स बनाएं तो पॉकेट फटे ना, हमारी एडजस्ट हो जाए। अब इसे एक साइड पे रखते हैं। दूसरी तरफ मैंने एक बाउल में उबले हुए 2 आलू को मैश कर लिया है, उनका पेस्ट बना लिया था। अब ये मैं एक गाजर डाल रही हूँ कद्दूकस करके, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें। ये मैंने 1 चम्मच धनिया डाला है और 1 ही चम्मच हम इसमें पुदीना डालेंगे। इससे खुशबू भी आती है और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है, ठंडक रहेगी क्योंकि गर्मियों के रोज़े हैं। यहाँ पे जो हमने टिक्के बनाए थे वो इसमें शामिल कर देते हैं। आधा चम्मच नमक डालेंगे क्योंकि मैंने इसमें आलू शामिल किए हैं। आधा चम्मच हमने इसमें चाट मसाला डालना है और इस सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप सिर्फ सिंपल टिक्का नहीं बना सकते, आपको आलू इसमें ऐड करने पड़ेंगे ताकि जो आपका मिक्सचर जो है सही से जुड़ा रहे। यहाँ पे हमने मिक्सचर बना लिया है तो दूसरी तरफ हम पट्टी की तरफ आते हैं। ये मैंने बाज़ार से मंगाई थी तो इसकी हम पॉकेट्स बनाएंगे। तो आपने क्या करना है, 2 लेनी है पट्टियाँ और एक को सीधा और एक को दूसरी साइड पे रखेंगे और जो अब आपने मसाला बना के रखा हुआ है उस मसाले को इसमें डालेंगे, इतना जितना कि आपको लगे कि ये इस पॉकेट के लिए बिल्कुल ठीक है आप उतना ही इस मसाले को ऐड करेंगी। ये छोटी प्याली में मैंने आटे का पेस्ट बनाया है। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच आटा लिया था और उसे पानी से मिक्स करके एक पेस्ट बना लिया है थिक सा। आप इससे ही पट्टियाँ जोड़ें, पॉकेट की शेप बना लें। इससे ये होगा कि आटा भी आपका जब आप फ्राई करेंगे तो पक जाएगा। इसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी कि कहीं आटे की कचैन या कोई स्मेल आएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लीजिए, हमने पॉकेट तैयार कर ली हैं और ऐसे ही मैंने अपनी तकरीबन सारी पॉकेट्स तैयार करके रख ली हैं। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, आप इसे फ्रीज भी कर सकती हैं, फ्रीज करके आप इसे यूज़ कर सकती हैं 1 वीक तक। अब दूसरी साइड पैन में मैंने ऑयल लिया है, मैं इसे शेडो फ्राई कर रही हूँ, डीप फ्राई नहीं करेंगे। आप विदाउट ऑयल भी फ्राई कर सकती हैं क्योंकि ये अगर आप नॉनस्टिक यूज़ कर रही हैं तो विदाउट ऑयल भी ये फ्राई हो जाएंगे, तो ये ज़्यादा ऑयली भी नहीं है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब जो मेरे चैनल पे न्यू है जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें। अब हम इसकी साइड चेंज कर रहे हैं और हम इसे मीडियम फ्लेम पे पका रहे हैं, तो आपको जैसे लगे कि एक साइड से पक चुकी हैं तो आप इसकी साइड चेंज करेंगी। ये पट्टियाँ बहुत ही बारीक होती हैं तो ये जल्दी पक जाती हैं और हमारा मसाला तो ऑलरेडी पका हुआ था। लीजिए, अब हम इसे सर्व करके दिखाते हैं आपको कि ये कैसी लग रही हैं। लग तो बहुत ही यमी रही हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी ये रेसिपी चिकन टिक्का पॉकेट्स। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन।